पानी कंपनी स्कैंडल के हवाले से नैब ने साबिक वजीर आला पंजाब और मौजूदा अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को जुमे को तलब कर लिया है। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से, जहां पर साफ पानी कंपनी स्कैंडल में शहबाज शरीफ को जुमे के रोज़ सुबह 11 बजे तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक आपको यहां पर आगाह कर रहे हैं, नैब ने साबिक वजीर आला और मौजूदा अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को तलब कर लिया है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे राहील सैयद से। राहील, आगाह कीजिएगा। नैब ने एक दफा फिर साबिक वजीर आला पंजाब या शहबाज शरीफ को जुमे के रोज सुबह 11 बजे तलब कर लिया है। इससे पहले भी साफ पानी कंपनी स्कैंडल ने मुतअद्दिद बार शहबाज शरीफ को नैब तलब कर चुकी है, और जिसे शहबाज शरीफ नैब की तहकीकती टीम के सामने पेश भी हुए थे और उन्होंने अपना मौका भी पेश किया था। अफसान तहकीकत का सिलसिला और उनके अभी जारी है, इसलिए दोबारा जायका कहना यह है कि जुमे के रोज सुबह 11 बजे शहबाज शरीफ को तलब किया गया ताकि साफ पानी कंपनी स्कैंडल की तहकीकत को आगे बढ़ाया जा सके। साबिक वजीर आला पंजाब का इल्जाम यह है कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में जो है साफ पानी कंपनी पर अपना सुख इस्तेमाल किया, 100% कंपनी को ठेके दिए और 50 लाख रुपए का जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगना था वो 1.5 करोड़ रुपए में लगाया गया। इस वजह से मुतद्दिद मुबैना तौर पर इल्जाम वजीर आला पंजाब पर आए किए जा रहे हैं और इन्हीं के हवाले से तहकीकत के लिए तलब किया गया है। साफ पानी कंपनी स्कैंडल में हमने ये भी देखा कि इनके बेटे हमजा शहबाज से भी नैब ने तलब किया था, उन्होंने भी अपने जो है मौकफ पेश किया था, जबकि मुतद्दिद अरकानी सामने भी इस स्कैंडल में जो है नैब की तहकीकती टीम के सामने पेश हो चुके हैं। अब जुमे के रोज सुबह 11 बजे जो है शहबाज को दोबारा तलब किया गया है ताकि तहकीकत के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।